आप सभी का स्वागत है फैंस क्वेश्चन के एक और नए एपिसोड में, जहां हमेशा की तरह आज भी मेरे पास आप सभी के बेन 10 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिनको आज की इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूं। तो इसलिए अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो की ये है की क्या होगा अगर कोई हमारे करंट टाइम लाइन यानी की प्राइम टाइम लाइन वाले बेन को ओमनीट्रिक्स लेने ही ना दे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस वाले बेन का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि बेन की ही वजह से उसका यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, तो अगर उसे ही ओमनीट्रिक्स नहीं मिलेगी तो वो अपने यूनिवर्स को बनने में मदद नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, प्राइम बेन का यूनिवर्स बने इसलिए प्राइम बेन, मेल्ट्रुएंट और रुक को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांटमिलिया के शिप में होना जरूरी है, और उन तीनों के वहाँ होने के लिए बेन को ओमनीट्रिक्स मिलना जरूरी है। पर अगर किसी रीजन की वजह से प्राइम बेन को ओमनीट्रिक्स नहीं मिलता, जैसे कि मान लो कि किसी विलन ने उसे ओमनीट्रिक्स लेने नहीं दिया, या फिर किसी और रीजन की वजह से भी उसे ओमनीट्रिक्स नहीं मिल पाया, तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स है ना। प्रोफेसर पैराडॉक्स कैसे ना कैसे करके बेन को ओमनीट्रिक्स दिलवा ही देंगे, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर जो इवेंट्स जैसे होने चाहिए वो वैसे ही हो, ये इंश्योर करना प्रोफेसर पैराडॉक्स का ही काम है। अगर तुम ध्यान दो तो प्राइम बेन को भी ओमनीट्रिक्स नहीं मिलता, वो तो प्रोफेसर पैराडॉक्स और नो वॉच बेन थे जिन्होंने ओमनीट्रिक्स की ट्रेजेक्ट्री को बेन की तरफ चेंज करा ताकि बेन को ओमनीट्रिक्स मिल सके और टाइमलाइन रीसेट हो सके। बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के अंदर बेन ने अल्बिडो बने हुए वेबिक को हराने के लिए अल्टीमेट वेबिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और वेबिक बने हुए अल्बिडो की चेस्ट पे भला क्या चीज लगी हुई थी। तो बेन ने अल्बिडो के वेबिक के अगेंस्ट अल्टीमेट वेबिक क्यों यूज नहीं किया, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि बेन 10 के क्रिएटर्स ने अल्टीमेट वेबिक को बेन 10 अल्टीमेट एलियन के फिनाले के लिए बचा के रखा था, ना कि इस गेम में दिखाने के लिए। और वैसे भी इस गेम की स्टोरी पूरी तरह से पोर्टिस अल्टियारी के अराउंड ही घूम रही थी, इस गेम के अंदर सारे विलन्स उसी के पीछे पड़े थे, तो भला ये पोर्टिस अल्टियारी आखिर किस काम आता है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी पावर क्या है, ये भी दिखाना ही था। तो इसलिए फाइनल फाइट में पोर्टिस अल्टियारी से मिली पावर से ही वेबिक को अल्बिडो के इविल वेबिक को हराते हुए दिखाया गया। और जहां तक बात रही अल्बिडो के वेबिक की चेस्ट पे लगे इस डिवाइस की, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं मिली, मुझे नहीं पता कि ये डिवाइस क्या है, मे बी शायद ये अल्बिडो के वेबिक की पावर बढ़ाने के लिए हो या फिर ऐसी ही किसी और चीज के लिए, पता नहीं, और मे बी इट इज देयर जस्ट फॉर एस्थेटिक्स एंड मेकिंग द डिजाइन लुक कूल। अगर ओमनीट्रिक्स सिर्फ बेन के फिंगरप्रिंट्स के साथ ही काम करता है तो फिर स्कर्ड ओमनीट्रिक्स को कैसे यूज कर पाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आर्टिग्वाना की आइस बीम वर्सेस बिग चिल की कोल्ड ब्रेथ। इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है, बिग चिल की कोल्ड ब्रेथ का आर्टिग्वाना की आइस बीम के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। आर्टिग्वाना अपनी आइस बीम की मदद से बहुत जल्दी जल्दी आइस जमा सकता है, और उसकी जमाई हुई आइस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो इवन विलगैक्स 10,000 को भी होल्ड कर रख सकती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बिग चिल की जमाई हुई आइस उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और जहां तक बात रही कि स्कर्ड कैसे ओमनीट्रिक्स को यूज कर पाता है, तो देखो हम सबको ये तो पता ही है कि स्कर्ड जो है वो अपने होस्ट के डीएनए को बड़े आराम से यूज कर सकता है, और क्योंकि वो बेन और ओमनीट्रिक्स से जुड़ा हुआ था, तो भला तुम ही बताओ कि क्या वो बेन के डीएनए को या फिर उसके फिंगरप्रिंट को ओमनीट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए यूज नहीं कर सकता। ऊपर से उसके पास मशीनरी एक्सपर्टीज भी है जिससे कि उसके लिए ओमनीट्रिक्स को एक्सेस कर पाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बेन की फर्स्ट क्रश कौन थी? अकॉर्डिंग टू रुक, बेन की फर्स्ट क्रश थी थर्ड ग्रेड में पेटी बर्किनफेल्ड, पर इस कैरेक्टर के बारे में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन या इमेजेस अवेलेबल नहीं है। बेन 10 ओमनीवर्स में प्रोफेसर पैराडॉक्स का हाथ कैसे कट गया? तो प्रोफेसर पैराडॉक्स का हाथ असल में बेन 10,000 ने काटा था, पर हाँ जानबूझ के नहीं, गलती से। अब इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि हुआ कुछ ऐसा था कि एक टाइम पे बेन 10,000 प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ मिलकर टाइम वॉर में पार्टिसिपेट करने लगा था उनकी मदद करने के लिए, और उसी दौरान एक्सीडेंटली बेन 10,000 से प्रोफेसर पैराडॉक्स का राइट हाथ कट गया, और उसी कटे हुए हाथ को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने उसकी जगह पे एक प्रोस्थेटिक हाथ लगा लिया, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि यही वो क्रोनो नेविगेटर भी था जिसके पीछे इऑन पड़ा हुआ था। क्या नालजियंस को बेन 10 की न्यू मूवी
या फिर न्यू सीरीज में दिखाया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो नालजियंस को दोबारा कभी दिखाएंगे, क्योंकि बिजी बॉक्स एपिसोड के बाद ही उन्हें दोबारा कभी दिखाने का प्लान नहीं बना, तो इसलिए वो हमें नई सीरीज या किसी नई मूवी में देखने को मिलेंगे, ये उम्मीद तुम ना ही रखो तो अच्छा है। डिटो के हाथ में जो ग्रीन कलर की ग्लास बॉल है, वो आखिर है क्या? सो टॉम परकिंस, जिन्होंने बेंटन क्लासिक में डिटो को डिजाइन किया था, उनके मुताबिक डिटो के डिजाइन में ये जो ग्रीन कलर के ऑर्ब्स हैं, जो कि उसके शोल्डर्स और पेट पर मौजूद हैं, जो कि असल में एक्सटेंडेड सेंसरी नोड्स हैं, जो कि उस सेंसरी वेब को बनाते हैं जिससे कि सारे के सारे डिटो के क्लोन्स कनेक्टेड रहते हैं। क्या बेंटन एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स रियल लाइफ की नॉर्मल वॉच पे बेस्ड है और ओमनीवर्स वाली रियल लाइफ की स्मार्ट वॉच पे? यप। क्या प्राइम बेन रेस अगेंस्ट टाइम मूवी की तरह अनकंट्रोलेबल इयोन में नहीं बल्कि कंट्रोलेबल इयोन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? नहीं, प्राइम बेन तब तक इयोन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जब तक कि इयोन खुद उसे जबरदस्ती इयोन में ट्रांसफॉर्म ना कराए, क्योंकि प्राइम टाइमलाइन के अंदर क्रोनियन स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और क्योंकि वो स्पीशीज प्राइम टाइमलाइन के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए प्राइम बेन के पास भी क्रोनियन का डीएनए नहीं होगा, और अगर उसके पास उसका डीएनए है ही नहीं, तो फिर वो ऐसे क्रोनियन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जिसे कि वो आसानी से कंट्रोल कर पाए। अगला बेंटन रिव्यू वीडियो कब आएगा? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी बेंटन रिव्यूज बनाना चाहता हूँ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बेंटन के रिव्यू वीडियोस बनाए हैं उन पे आप सभी का रिस्पॉन्स उतना अच्छा मुझे नहीं मिला है। मेरी काफी सारी ऑडियंस ने इन वीडियोस को देखा तक नहीं है और इसका मेरे चैनल पर काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था, तो इसलिए मैंने अभी के लिए इन रिव्यूज को होल्ड पे रखा है। पर हाल फिलहाल में ही आप में से कई सारे लोग इन रिव्यू वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं, जिनको वैसे बनाने की मेरी फिलहाल तो हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अगर तुम इन्हें देखना ही चाहते हो तो इस वीडियो पे कैसे ना कैसे 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, तो मैं पक्का अगली बेंटन रिव्यू वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा और पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ब्लॉक्स अपनी बॉडी से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को प्रोड्यूस कर सकता है, क्या उसकी कोई लिमिट है? तो नहीं, ब्लॉक्स अपनी बॉडी से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वो इन ब्लॉक्स को कब तक प्रोड्यूस करता रह सकता है, इसकी हमें अभी तक कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। और लिमिट्स की बात हो ही रही है तो लिमिट से रिलेटेड एक और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स के अंदर एलियंस की कोई लिमिट है, और क्या अपग्रेड नल वॉइड प्रोजेक्टर को अपग्रेड कर सकता है? अगर हाँ तो उसमें कौन कौन से नए फीचर्स एड हो सकते हैं? तो सबसे पहले लिमिट की बात करें तो देखो, कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम कितने एलियंस के डीएनए स्टोर किए जा सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है, ये हमें कभी भी सीरीज के अंदर नहीं बताई गई। फिलहाल के लिए कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा एलियन डीएनए सैंपल्स मौजूद हैं, जो कि अज्यूमेबली मिल्की वे गैलेक्सी के ऑलमोस्ट सभी एलियंस के डीएनए सैंपल्स हैं, प्लस इसमें उन 5 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए सैंपल्स भी इंक्लूडेड हैं, जिससे हमें यही समझ में आता है कि ओमनीट्रिक्स सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के नहीं बल्कि बाकी दूसरी गैलेक्सीज के भी एलियन डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है। और इस हिसाब से देखें तो कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स की डीएनए स्टोरेज कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड हो सकती है। और हाँ, अपग्रेड नल वॉइड प्रोजेक्टर को अपग्रेड कर सकता है, और उसके अपग्रेड हो जाने पर उसमें कुछ ऐसे नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि पहले हमने देखा था कि कुछ नल वॉइड प्रोजेक्टर्स नल वॉइड पोर्टल को ज्यादा देर तक खोल के नहीं रख सकते थे, पर अब नल वॉइड प्रोजेक्टर के अपग्रेड हो जाने के बाद ये लिमिटेशन अब खत्म हो जाएगी। प्लस मुझे लगता है कि नल वॉइड प्रोजेक्टर के अपग्रेड हो जाने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे वेपन्स भी ऐड हो जाएंगे, जैसे कि लेजर बीम या फिर मिनी मिसाइल जैसे वेपन्स। और तो और हमने ये भी देखा था कि नल वॉइड प्रोजेक्टर को एक नल वॉइड बॉम्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। हाँ, तो नल वॉइड प्रोजेक्टर के अपग्रेड हो जाने के बाद इस नल वॉइड बॉम्ब के एक्सप्लोजन का भी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका स्केल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यूनिवर्स 10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक जिंदा कैसे है? क्योंकि जामासू को मेन टाइमलाइन में लॉर्ड बीरस ने हकाई कर दिया था और ट्रंक्स ने फ्यूचर में जामासू को मार दिया था। अब देखो, इसका जवाब जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ध्यान से सुनना। मेन टाइमलाइन में जिस टाइम पे लॉर्ड बीरस ने जामासू को हकाई किया था, उस टाइम पे जामासू सुप्रीम काय नहीं था बल्कि गोवासू सुप्रीम काय थे, और जामासू उनका चेला था, या यूं कहूं
क्योंकि उनका स्टूडेंट था और क्योंकि मेन टाइमलाइन में गोवासु यानी कि 10th यूनिवर्स के सुप्रीम काई नहीं मरे, तो इसलिए 10th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं मरे। और जहाँ तक बात रही फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन की, तो वहाँ पे पहले ही गोकू ब्लैक और जमासू ने गोवासु के साथ साथ बाकी सारे यूनिवर्स के सुप्रीम काई और उनके साथ साथ उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी ठिकाने लगा दिया था। और आखिर में जाके ट्रंक्स ने नहीं बल्कि जेनोसामा ने जमासु और पूरी की पूरी फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन को ही इरेज कर दिया था। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, अल्टीमेट्रिक्स और गोकू की सारी पावर्स, तो आप क्या चूज करोगे? अब देखो यार, गोकू की पावर्स होना सच में काफी ज्यादा मजेदार बात होगी भाई। गोकू के जैसे लेवल के मार्शल आर्ट्स कर पाना, उड़ पाना, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाना, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के पावर अप कर पाना, तरह तरह के एनर्जी अटैक्स, की ब्लास्ट और कामेहामेहा कर पाना, भला कौन नहीं चाहेगा। लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए मुझे लगातार ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और मैं ठहरा आलसी बंदा, तो इसीलिए मैं तो अल्टीमेट्रिक्स ही चुनूंगा, क्योंकि उसमें मुझे कई सारे एलियंस मिल जाएंगे और उनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स भी मिल जाएंगी। प्लस अगर मैंने सरीना और बेलेकस को भी कैसे ना कैसे मना लिया, तो मेरे पास तो अनलिमिटेड पावर हो जाएगी ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेट्रिक्स यहाँ पर मेरे लिए फायदे का सौदा है। बस मुझे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि सोते समय मेरे हाथ से कोई अल्टीमेट्रिक्स निकाल ना ले। वैसे यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास अल्टीमेट्रिक्स और गोकू की सारी पावर्स, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता, तो आप क्या चुनते और क्यों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या एनोडाइट्स रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वर्डोना को एक टूटे हुए ग्लास को रिपेयर करते हुए देखा था? और क्या एनोडाइट्स के पास टाइम पावर्स भी होती हैं? तो नहीं, एनोडाइट्स के पास टाइम पावर्स तो नहीं होती, लेकिन हाँ, उनके पास थोड़ी बहुत लिमिटेड रियलिटी वर्पिंग की पावर जरूर होती है। बेन वन लास्ट टाइम मूवी कब आएगी? और जैसा कि हमें पता है कि बेन 10 पीजी रेटेड है, तो भला उसमें बेन ने डायमंड हेड बन के एक आदमी को जान से मार कैसे दिया? एंड बेन 10 में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एलियन भला कौन है? तो बेन 10 में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एलियंस कौन से हैं? इस टॉपिक पे मैं पहले ही दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप चाहो तो उन्हें चेकआउट जरूर कर सकते हो। और जहां तक बात रही बेन वन लास्ट टाइम मूवी, तो देखो ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये एक फैन मेड सीरीज है बेन 10 की, जिसके क्रिएटर हैं जेंडर फ्लिक्स। और अभी तक इसके दो एपिसोड्स आ चुके हैं, जो कि अराउंड 5-5 मिनट के हैं। और इसका जो सेकंड एपिसोड आया था, उसको आके अभी एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। और जेंडर फ्लिक्स के चैनल पे जो लेटेस्ट पब्लिश वीडियो है, उसको आके भी एक साल से ज्यादा हो चुका है, जिसमें उन्होंने बेन वन लास्ट टाइम के कुछ प्रोडक्शन डिटेल्स बताए थे। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्होंने एक कमेंट भी डाला था और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी ये बात शेयर की थी कि अभी फिलहाल उनकी लाइफ में काफी सारी चीजें चल रही हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली भी, जिसके चलते वो बेन वन लास्ट टाइम के एपिसोड 3 को उस टाइम तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जिस टाइम तक उन्होंने सोचा था। पर फिर भी एपिसोड 3 का प्रोडक्शन जोरों शोरों से चालू है, और क्योंकि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए वो इस एपिसोड को कंप्लीट करने में अपना पूरा टाइम लेंगे। और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं उनकी सारी की सारी बातों से एग्री करता हूँ और रिलेट करता हूँ, और ये होप भी करता हूँ कि उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो और हमें बेन वन लास्ट टाइम का एपिसोड 3 जल्दी से जल्दी देखने को मिले। एंड बाय एनी चांस, अगर आपने अभी तक बेन वन लास्ट टाइम के दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर देखो और इस फैन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो, क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री में मिल जाएंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी हिंदी बेन 10 कम्युनिटी के कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इन एपिसोड्स को हिंदी में भी डब किया है, तो हाँ, आप इन एपिसोड्स को हिंदी में भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हिंदी डब देखने के बाद आप एक बार जेंडर फ्लिक्स की ओरिजिनल वीडियोस भी जाके जरूर देखना, ताकि उन्हें भी बराबर का सपोर्ट मिले। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं 300 के स्पेशल Q&A कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने तुमसे फेस कैम वाले क्वेश्चंस मांगे थे अपनी इस वाली ईमेल आईडी पे। पर अफसोस, अभी तक मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिले, बहुत कम क्वेश्चंस ही मिले हैं। कई सारे लोगों ने बोला कि भाई हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम फेस कैम करके कैसे क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए चलो मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि चलो अपना चेहरा मत दिखाना, लेकिन कम से कम वीडियो चालू करके कम से कम बोल के तो अपना क्वेश्चन मुझसे पूछो, ताकि मेरा थोड़ा काम आसान हो जाए ना।
मुझे क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। और एक और बार तुम्हें ये बात याद दिला देता हूँ कि 10 मई लास्ट डेट है इस ईमेल आईडी पे तुम्हारे क्वेश्चंस को सबमिट करने की, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम आज के आज ही अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करके fantanke@gmail.com वाली इस ईमेल आईडी पे आज के आज ही सेंड कर दो। और बाकी तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।